गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब। अभी बहुत तगड़ा मौसम हो रहा है, बारिश आने वाली है, बहुत ज़्यादा उमस हो रही है। रात को तो आई थी, अभी और आने वाली है। खाना वाना मैंने बना लिया है। ये जो रोटी है मैं गाय को देने जा रही हूँ, जो पष्ट रोटी होती है वो गाय को देती हूँ रोज सुबह सुबह डेली। पहले पता चल गया था, मैं रोटी लेके आई हूँ, पहले आ गया जाती हूँ। फटाफट से गाय और भैंस का काम कर लेते हैं, मतलब इनको नीला धुला के इनका काम फ्री कर दे। कभी भी बारिश आ सकती है, फिर इनको अंदर भी तो शिफ्ट करना है, अंदर भी बांधना है। अंदर ही ये चारा डालेंगे, फिर इनको अंदर ही खाएगी ये, क्योंकि बाहर तो खा नहीं सकती, कादा कीचड़ हो जाती है तो वैसे भी नहीं। ये देखो हमारा गोपाल क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, दिखा। अरे दिखा, गाड़ी खा रहे हो तो मजा सो। कहीं खा रहे, जड़ दो खाए हो। इसके इनके यहाँ जो बच्चे होते हैं इनके यहाँ की इतनी प्यारी होती है, देख तो। क्या कर रहा है, क्या हुआ, पानी नहीं पी लिए क्या? ना, पानी पिलो। अब बाबा जा रही है पानी पीने के लिए। अब आगे पानी का टाइम हो गया, जब तक पानी नहीं पीती है चारा भी नहीं खाती, तीन टाइम पानी पीती है। अबू आबा, अभी ये जानती नहीं है नाम। कल मैं यहाँ नहीं था इसलिए इसने पानी, तो खाना पीना कमजोर लग रही है दो दिन में। ये देखो कैसे देख रही है इसको, न्यू मेंबर है इसलिए देख रही है। तो पानी पीना तो होगा इसकी, पता नहीं ऐसी आदत नहीं होगी पानी पीने की। एक है ना आदत को नहीं शायद है, मतलब ये पानी पीबा की इन्हें खुट्टा पर ही पीबा की आदत है। बहुत टाइम लगा हुआ तो पानी पीबा हम माने पिला के बैठा हूं, मैं खाबा में सारा दिन खाती रहे, फिर भी है हमारे से तो खबर है। तो गाय बेशक तो वही काम है, कुत्ते ही कर लो खाए बुगर सी। तो गाइस दो ही दिन में यहां से, दो दिन क्या, जैसे कि शाम तक गर्मी का इसकी हालत इतनी ज्यादा डाउन हो गई एक दिन में। वो क्या है कि बारिश आ रही थी तो इसको मतलब पानी वानी वहीं पे अंदर ही पिलाया था और बाहर ये निकली नहीं, इसलिए लग रही होगी आपको, मुझे तो नहीं लग रही। पिले, अब इसकी दो बहनें और आने वाली है, जल्दी ही एक या दो दिन में आएगी। दो दो और ये कौन है, बहनें आएगी तो फिर ये कौन है, बहनी आएगी तो फिर ये कौन है, इसके साथ की ये तो पहले की अपनी है ही है। फिर ये भी तो कुछ लगती होगी, ये ना टांग में ला दी कहीं, वो खड़ा भी चल गई उठा के ला गई बोली तो उठा गया यार, थोड़ा थोड़ा चल गई दो दिनों बाद। वो दोनों हमेशा एक जगह रहते हैं, चारा खाओ नहीं खाओ कुछ भी करो बट एक ही जगह रहते हैं, एक रात सुबह शाम। देखो कितना अच्छा मौसम हो रहा है, ये इधर ग्वारफली के पौधे हैं, सारे ग्वारफली के पौधे हैं।
अब कुछ देर इसको यहीं पे रखेंगे, ये जब इसका पेड़ भर जाएगा तो अंदर बांध देंगे फिर इसको, बारिश भी आने वाली है। अब सारे दिन बस यहीं चलती रहेगी, तब तक हम सबको पानी पिला देते हैं। बारिश के मौसम में कितनी हरियाली हो जाती है चारों तरफ, सब हरा भरा हो जाता है, पेड़ पौधे खेत सब कुछ हरा भरा हो जाता है। अब रूपा की बारी है। रूपा कोमल कहाँ गई? हाँ ये नहाने में बहुत मजे, जिनकी आदत होती है ना वो रोज फिर वहाँ। ये पानी क्यों नहीं पी रही? शैम्पू भी लगा दो। हाँ ये ना आखिर आदत ही हो गए, जो अनुआते हैं ना एक बार तो कदम हो लिए, मस्ती करे फिर। क्या खून निकाल ले, एक दो तीन चार पाँच छः सात नहीं खूब जगह, शायद भी उल्ला भी कहीं बोले जिया जिया चीचड़ा खाई हुए भी है, गाय बेचक तो बे खाओ और तो कहीं खाओ, तभी अति बुरी तरह चीटे कि खून निकाल रही हूँ उतरे में तो मारो जी मन ना पानी कहूँ मैं चराऊँ मैं मनी ठोके से ठोकरी होनी है, शर्म नहीं आ रही इन्हें कोमल के बिना मन कर लगे को। आप देखे वो नहीं है, मतलब बोल रहे चाबियाँ बिल जाती है को नहीं है, बोले भी वो नहीं, पहले तो कोई भी देखो बोल बार आ जाती। अब गोपाल की बारी, देखते हैं पहली बार, अभी तो बच्चा है दूध के लाओ, पहले तो देखेगा इस, मैंने कल रखा था पहले तो देखेगा फिर चारों तरफ देखेगा। पानी पी लियो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, लो बेटा पानी, अरे दो ये पी लेगा अपने आप, आप पास में खड़े रहोगे तो बिल्कुल नहीं पिएगा। अब भाई एक और बच्ची भी ना पी लेते, बकरी भी देख रही है मेरे पास पे आएगा पानी ना, बारिश आ रही थी कुछ भी नहीं किया तो ऐसा लग रहा था आज तो कुछ भी नहीं किया सुबह से शाम तक, तो इतने आलस आ रहे थे हद से भी ज़्यादा, काम करके बहुत खुशी मिलती है, ये बात तो है। रोज काम करो और एक दिन काम नहीं करोगे ना तो इतना आलस आएगा हद से भी ज़्यादा, ऐसे लगेगा कुछ भी नहीं किया आज तो कुछ भी नहीं किया, जैसे ही काम करोगे ना रोज तो रोज आदत हो जाएगी, सब कुछ फिक्स हो जाता है, ये करना वो दिमाग में अपने आप टेंशन हो जाती है, फटाफट से ये कर लो वो कर लो अभी ये करना है वो करना, सारा काम अपने आप हो जाता है कम्प्लीट। इसी ही गाड़ी तभी तो जब गोपाल को पानी पिला रहे थे ना तो ये देख रहे थे और उसी टाइम खड़े हो गए थे पानी पीने के लिए। ये बहुत गुमसुम रहता है, बहुत गुमसुम रहता है, मतलब जितने जानवर है उतने बिल्कुल भी, बोलता भी नहीं है, पता नहीं क्या है, क्या हुआ इसका नाम पता है क्या रखेंगे? भूरू 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 ये ब्राउन है, इसकी आंखें भी ब्राउन है, ये भी ब्राउन है पूरा, इसे अंदर बांधो ना बांधो, चारा डालो इन्हें ना डालो, इसे कुछ मतलब नहीं है, बस बैठा रहेगा देखता रहेगा टुकुर 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 टुकुर। इसे हम अकेले को लेकर आए थे, ये अकेला रह गया, ले पानी पी लो, उठ पियो ला कर बेटे बेटे बैठ जाओ, ले लो लो ले पानी पी लो, पानी पी लो, शायद इसे चार पाँच महीने हो गए लाए हुए, जैसा लाए थे ना वैसा का वैसा है अभी भी, कुछ ना तो बढ़ रहा है ना घट रहा है, इसकी ग्रोथ रुकी, बोन मीठा पिलाना पड़ेगा, बोन मीठा पी रहे ये ना माँ के लिए बोल रहा है गोपाल जी, देखो कितना अच्छा मौसम हो रहा है यार, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है।
ये देखो। वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को ना सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और ऐसे ही प्यार बनाए रखना। थैंक यू। राम राम जी।